सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिल्कुल बरखा तालिबान के खिलाफ पंजशीर उम्मीद की वो किरण है जो पूरे अफगानिस्तान को रोशन कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भारत पंजशीर को लेकर बहुत ज्यादा कवरेज कर रहा है। कल के रोज भारत ने ये झूठी खबर चलाई कि 1000 तालिबान पंजशीर में फंस चुके हैं और वह नई झूठी खबरें ये फैला रहा है कि काफी ज्यादा इलाके तालिबान से अहमद मसूद ने ले लिए। लेकिन असल खबर भी निकल कर सामने आ ही जाती है कि तालिबान काफी हलाके फतह कर चुके हैं, अमरुल्ला साले भाग चुका है और कुछ ही हलाके अभी रहते हैं। भारत बार बार दुनिया को ये दिखा रहा है कि उनकी मदद करें, लेकिन तादाद के लिहाज से दुनिया की दूसरी बड़ी आर्मी, चौथी बड़ी एयरफोर्स और उनमें भी अभिनंदन जो भरे हुए हैं उन्हें क्यों नहीं भेजता? क्या वो सिर्फ देखने के लिए रखे हैं या फिर अभिनंदन जैसे बड़े मार्के के लिए रखे हुए हैं? आखिर भारत पंजशीर की मदद क्यों नहीं कर रहा? क्या सिर्फ मीडिया पर बुलेट फायर होते रहेंगे? और दोस्तों, भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि पाकिस्तान खुश है। पाकिस्तान खुश क्यों ना हो, पाकिस्तान की खुशी इनसे बर्दाश्त नहीं होती। हम अगर खुश हैं, हमने खुशी दुनिया से छीन कर ली है। अगर आप में भी हिम्मत है तो पंजशीर में लड़ाकाओं की मदद क्यों नहीं करते? देखिए, हमारी खुशी तो आपसे कभी हजम नहीं होगी। वो बात तो एक अपनी जगह पे है कि हम क्यों खुश हैं। हम जाहिर बात है वहां पे अगर तालिबान आ रहे हैं और वहां पे वो जो पॉलिटिक्स करनी है, मुझे बात पूरी करने दें जी। ठीक है, मतलब ठीक है, अब चाह रहे हैं कि वो जो रियल जो स्टेक होल्डर्स हैं वो आए उस पावर पे और बाकी बैच वो मजार शरीफ तक गए थे और कभी पंजशीर में इस घमसान की लड़ाई हुई भी नहीं थी। और मेरा ये ख्याल है कि शायद आपको जो तवक्को की जा रही है, आप जो उम्मीदें बांध के बैठे हैं इससे नॉर्दर्न अलाइंस से, तो थोड़ी सी मिलिट्री असिस्टेंस भी प्रोवाइड कर दे रहा ताकि वो अपना होल्ड जो है ना वो वहां पे कुछ और दिन तक अपने आप को मजबूत कर सके। वो ये उनका किला जो है ना वो फतह होने वाला है। ये तालिबान आपको कुछ वो लड़ाई लड़ के 20 साल और आप कह रहे हैं कि वो सिर्फ 100 किलोमीटर की वादी के ऊपर, नहीं, वो अटैक पहले नहीं करना चाहते थे, वो चाहते थे कि डायलॉग से हो। वरना आप ये सोचें कि जब उन्होंने उसको चारों तरफ से घेर लिया होगा, वो शायद ताजिकिस्तान का कोई बॉर्डर ही बचता हो तो बचता हो, तो आप जल साहब आप मुझे क्यों तवक्को लगा के बैठे हैं? आपको एक बार फिर जो है ना मायूसी होगी उनसे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।